Hello student, today we are going to start your English subject in standard 6. Okay, today we have learned the lesson number 7, Fair Play. Okay, so let us start. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So, Juman Sheikh तथा Algu Chaudhary अच्छे मित्र थे. उनके बीच मित्रता का बंधन इतना मजबूत था कि जब उनमें से कोई गांव से बाहर कार्यवश चला जाता था तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था. दोनों ही गांव में सम्मानित व्यक्ति थे. ओके, द नेक्स्ट, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. द arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grazed even the little food that the old lady wanted every day. She slowed this insert along with her food for a few months, but patience has its limits. So इसमें क्या था कि जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके नाम कुछ संपत्ति थी. इस भूमि को उसने जुम्मन के नाम बदलने का सोच लिया था. इस समझौता के साथ वह परिवार में रहेगी तथा जुम्मन उसकी देखभाल करेगा. यह व्यवस्था 2 वर्ष तक सही चलती रही. फिर परिस्थिति चेंज हो गई. जुम्मन तथा उसके परिवारजन अपनी बुढ़ी चाची से तंग आ गए. जुम्मन चाची के प्रति उदासीन हो गया तथा उसकी पत्नी बूढ़ी महिला को भोजन देने में भी आनाकानी करने लगी. चाची इस अपमान को कुछ माह तक अपने भोजन के साथ निगलती सहन करती रही, पर धैर्य की भी तो सीमा होती है. द नेक्स्ट, once day she spoke to Juman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juman shamelessly. This made his aunt very angrily and she decided to take her case to the village panchayat. Okay, so क्या था इसमें कि एक दिन चाची ने जुम्मन को बोला, मेरे बेटे, अब यह बात स्पष्ट हो गई कि इस घर में मैं अवांछित या अनचाही बन गई हूँ. कृपा करके मुझे कुछ मासिक भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपनी रसोई अलग बना सकूं. मेरी पत्नी सही जानती है कि घर को किस प्रकार से चलाया जाता है. धीरज रखो, जुम्मन ने बेशर्मी से उत्तर दे दिया. इस बात से चाचे बहुत क्रोधित हो गए तथा उन्होंने इस मामले को ग्राम पंचायत के सामने ले जाने का निश्चय कर लिया. ओके, द नेक्स्ट, फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. सम सिंपथीज विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट विथ हर
nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chache Jhumman is my best friend. How can I go against him? Algu said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but her words kept ringing in his ears. So क्या हुआ कि कई दिनों तक बूढ़ी महिला गांव वालों से बातें करती हुई अपने मामला स्पष्ट करती रही तथा उनके समर्थन पाने की कोशिश करती रही. कुछ व्यक्ति ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई तो कुछ अन्य लोगों उसकी बात पर हंसे और कुछ एक ने उसे समझाया कि अपने भतीजे और उसकी पत्नी से सुलह कर लो. अंत में महिला अलगू चौधरी के पास पहुंची और उसकी बातें की. आप जानती है ही चाची कि जुम्मन मेरा परम मित्र है, मैं भला उसके विरुद्ध कैसे प्रकार जा सकता हूँ, अलगू ने ऐसा बोला. पर क्या यह सही है मेरे बेटे कि तुम मौन बने रहे और न्याय की बात न बोलो, वृद्ध महिला ने दलील दी. पंचायत में आओ और सच बोलो, उसने कहा. अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर चाची के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और उससे बातों की. उसी शाम एक पुराने वट वृक्ष के नीचे पंचायत बुलाई गई. जुम्मन ने खड़े होकर द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. लेट माय aunt nominate the head punch, I will abide by her decision. So उसी शाम एक पुराने वट वृक्ष के नीचे पंचायत बुलाई गई. जुम्मन ने खड़ा होकर बोला, पंच का निर्णय परमात्मा का निर्णय होता है. मैं चाची को छूट देता हूँ कि वह सरपंच का नाम सुझाए. मैं उनके निर्णय को स्वीकार कर लूँगा. The next, the punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Jhumman, hiding his joy over his unexpected pieces of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jhumman, said Algu. I know that, replied the aunt. But I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. So, punch mitrat tham, shatru mein bedbhav nahi karte. मेरे द्वार अलगू चौधरी को सरपंच बनाने का सुझाव पर आपका क्या ख्याल है, वृद्ध महिला ने घोषणा की. बहुत अच्छा, जुम्मन ने अपनी इस शुभ किस्मत के प्रति हर्ष को छिपाते हुए कहा. चाची, तुम जुम्मन के साथ मेरी मित्रता से परिचित हो, अलगू ने ऐसा बोला. मैं यह बात जानती हूँ, चाची ने उत्तर दिया. पर मैं यही भी जानती हूँ कि तुम मित्रता की खातिर अपनी अंतरात्मा की हत्या नहीं करोगे. पंच के हृदय में परमात्मा का वास होता है और उसकी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है. और बूढ़ी महिला ने अपनी कहानी लोगों को बताई. द नेक्स्ट, जुम्मन सेड अलगु, You and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me.
what have you to say in your defense? 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. Now, my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. So, जुम्मन अलगू बोला, तुम और मैं पुराने मित्र हैं, तुम्हारी चाची मुझे इतनी ही प्रिय है जितना तुम हो। अब मैंने पंच का स्थान ग्रहण किया हुआ है, तुम और तुम्हारे चाची मेरी दृष्टि में एक समान हो, तुम्हें अपने पक्ष में क्या दलील देनी है? 3 वर्ष पूर्व जुम्मन ने कहना प्रारंभ किया, मेरी चाची ने अपनी भूमि मेरे नाम कर दी थी और मैंने उनके जीवन काल में उनकी भरण पोषण का वायदा कर लिया। जितना कुछ कर सकता था मैंने अब तक किया। चाची और मेरी पत्नी के बीच एक दो बार झगड़ा भी हुआ, पर मैं उसे रोक नहीं सकता। अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता मांग रही है, यह कर पाने मेरे लिए असंभव नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना है। Then next, Juman was cross examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." Now the two friendship were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. So Juman से अलगू तथा अन्य व्यक्तियों ने जिरह की। फिर अलगू ने निर्णय दिया, इन सब ने इस विषय पर विचार कर लिया है। हमारे विचार से जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देने ही चाहिए, अन्यथा चाची को उसकी संपत्ति वापस दे दी जाए। इस निर्णय के पश्चात दोनों मित्र को विरले ही साथ साथ देखा गया। उनके बीच मैत्री का बंधन टूट गया था। वास्तव में जुम्मन अब अलगू का बैरी हो गया था तथा उससे बदला लेना चाहता था। ओके, सो योर 7th लेसन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कंप्लीट एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड वी विल नेक्स्ट वीडियो शो इन दिस थर्ड पार्ट एंड एक्सरसाइज। ओके।